खबर विकासनगर से है, जहां एक ओर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पछवा दून के पहाड़ी क्षेत्र में भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग के झजरेट में पूर्व में भी भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग कई बार बाधित हुआ है और एक बार फिर पहाड़ दरकने का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग सहिया की ओर से भी यहां पर मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मशीन तैनात की गई है। वहीं तहसीलदार चमन सिंह का कहना है कि हमारी ओर से आपदा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें बनाकर क्षेत्र में सक्रिय रूप से तैनात की गई है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हमारे अन्य जगह भी 15 जून के बाद आपदा का सत्र गतिमान हो जाता है, जो सितंबर लास्ट तक चलता है। उसी के दृष्टिगत अभी उत्तराखंड मौसम विभाग में एक सूचना जारी की गई थी कि 12 और 13 तारीख को बारिश का हाई अलर्ट है। उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है इसमें सावधानियां बरती जा रही हैं। हमारा जो तहसील कंट्रोल रूम है वो सुचारू है। हमारे जो कर्मचारी पटवारी हैं या नायब तहसीलदार हैं, उनको मौके पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वो हर समय फील्ड में अपने तैनात हैं तथा मोबाइल के माध्यम से हमसे लगातार जुड़े हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक रोडों की बात है, क्योंकि पहाड़ों में वर्षा के कारण रोड भी बंद हो जाते हैं, लाइन डिपार्टमेंट को इसमें सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर जेसीबी डिप्लॉय की गई है, उनके कर्मचारी तैनात हैं। जैसे ही कोई भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, उसके द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए रोडों को सुचारू करने की कार्रवाई की जाती है।